the bell icon to never miss a video from theory to practical. Exact differential. Exact differential. Exact differential. इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि देखिए exact differential मतलब मैं क्यों कह रहा हूँ कि properties मतलब properties are या point functions are exact differential. देखिए समझते हैं एक PV plot से. PV plot से तो एक PV plot करता हूँ मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी. पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आने के दो रास्ते हैं. मैं कहता हूँ ये एक x है ये एक y है. ठीक है तो हम a से b x से आ सकते हैं a से b y से आ सकते हैं. आ सकते हैं कि नहीं? हाँ कि नहीं? बिल्कुल आ सकते हैं. तो जब मैं कहता हूँ एग्जैक्ट डिफरेंशियल तो मैं अगर ए पॉइंट का देखिए मैं बना रहा हूँ ए पॉइंट का मैं दिखाता हूँ कि ये आपका वॉल्यूम है वी ए यहाँ पर आपका वॉल्यूम है वी बी. इधर तरफ अगर हम लोग यही प्लॉट करते हैं तो यहाँ पर प्रेशर है पी ए और क्या यहाँ पर कह सकता हूँ कि जो प्रेशर है दैट इज़ पी बी. हाँ कि नहीं? ठीक है भाई लोगों. ओके तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रॉपर्टीज़ आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल. मतलब मैं अगर एक प्रॉपर्टी लेता हूँ कहता हूँ मैं कि वॉल्यूम ले लेता हूँ एज अ प्रॉपर्टी तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि डिफरेंस मतलब ए से बी तक अगर मैं ए से बी तक वाया एक्स आता हूँ तो चेंज इन वॉल्यूम क्या है? चेंज इन वॉल्यूम वी बी माइनस वी ए है कि नहीं? है ना? पर अगर मैं ए से बी तक वाई आता हूँ अब मैं वाई वाले रास्ते से आता हूँ तो चेंज इन वॉल्यूम क्या है भैया? तो भी तो चेंज इन वॉल्यूम वी बी माइनस वी ए ही है. क्या कोई डिफरेंस आया? नहीं आया. ऐसे ही इसलिए इसको हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एग्जैक्ट डिफरेंशियल बोलते हैं. चाहे हम किसी भी पाथ से आएँ वो वी बी माइनस वी ए ही रहेगा. प्रेशर में भी सेम वही चीज़ रहेगा. ठीक है तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसका इंटीग्रेशन लिखता हूँ मैं क्या लिखता हूँ इसका अगर मैं इसको इंटीग्रेटेड फॉर्म में लिखता हूँ मतलब कि मैं लिखता हूँ इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से बी तक डी वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ वी बी माइनस वी ए क्या लिख सकता हूँ वी बी माइनस वी ए तो इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से बी तक डी वी इज इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए. समझे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है लेकिन अगर मैं पाथ फंक्शन की बात करता हूँ किसकी बात करता हूँ यहाँ पर पाथ फंक्शन की बात करता हूँ. पाथ फंक्शन का मतलब है कि हम लोग पी वी ले लेते हैं पी वी एक नेक्स्ट पेज पर बनाता हूँ. यहाँ पर मैं एक और पी वी प्लॉट करता हूँ तो ए से बी तक दो पाथ हम लोग ले लेते हैं. ठीक है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हम लोग दो रास्तों से आए वाया एक्स और वाया वाई. ठीक है तो हमको पता है कि भाई क्या मैं यहाँ पर देखो वर्क डन फ्रॉम ए से बी तक वाया एक्स क्या होगा बताओ वाया एक्स एरिया अंडर ये वाला एरिया होगा कि नहीं? हाँ कि नहीं? होगा ना? अच्छा अब एक और बना देता हूँ पी वी ए से बी तक ए से बी तक ये आए हम लोग वाया वाई. इसका वाई वाला पोर्शन मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया तो क्या इसका एरिया आपको दिख रहा है? ये वर्क डन देगा जो ये वाला पोर्शन है. दिस इज गोइंग टू गिव माई वर्क डन. तो यहाँ वर्क डन ए से बी तक वाया वाई आपको दिख रहा है तो यहाँ पर वर्क इतना है. ठीक है तो जैसे मैंने बोला कि
चेंज इन वॉल्यूम इज वी बी माइनस वी ए, चेंज इन वॉल्यूम इज वी बी माइनस वी ए। क्या मैं कह सकता हूँ कि चेंज इन वर्क, चेंज इन वर्क मैं मतलब इसको लिख सकता हूँ क्या, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से बी डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए, हाँ कि नहीं? हाँ नहीं, इसको नहीं लिख सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि ये तो ए से बी आया तो इसने इतना ही वर्क दिया, पर जब ये ए से बी आया तो इसने ज़्यादा वर्क दे दिया, तो क्या मैं डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए से बता पाऊंगा कि एक्चुअली वर्क कितना हुआ है? नहीं बता पाऊंगा। पर क्या मैं चेंज इन वॉल्यूम बता पाऊंगा? बिल्कुल बता पाऊंगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। तो यहाँ पर हम लोग कभी भी इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी डी डब्ल्यू को डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए नहीं लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं इसको? हम हमेशा लिखेंगे वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, हमेशा ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि ये पाथ पर डिपेंड कर रहा है। अब ये हो सकता है कि ये वाया एक्स जाए, हो सकता है ए टू बी वाया वाई जाए, है ना? तो ये बदलेगा वर्क, ये वर्क बदलेगा, इसलिए हम इसको डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए नहीं लिख सकते हैं। बट प्रॉपर्टीज को या पॉइंट फंक्शंस को हम लोग पॉइंट वन माइनस पॉइंट टू या पॉइंट टू माइनस पॉइंट वन लिख सकते हैं। समझ गए? इतना समझ में आया? तो अब इसमें आपको जो जो नोट करना है वो आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अच्छा देखिए, कोई भी दिक्कत होगी तो ज़रूर बोल दीजिएगा, क्योंकि भाई आप लोगों के फीडबैक से ही हम सुधार कर पाएंगे, वरना पता चलेगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है और हम भी सुधार नहीं कर पा रहे हैं तो मज़ा नहीं आएगा ना। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम होगा भैया, म्यूचुअल कोऑपरेशन से। हम आपकी मदद कर रहे हैं, आप हमारी मदद करिए, हम में सुधार लाने की कोशिश हम करेंगे, लेकिन मदद आपकी चाहिए हमको। जैसे हम आपकी मदद कर रहे हैं, आप भी हमारी मदद करिए, प्लीज़ हमारी मदद करिए और बताइए अगर कहीं पे कोई भी डाउट होता है तो हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। थियोरी टू प्रैक्टिकल हर संभव रूप में आपकी मदद करने के लिए ही है, हर रूप में आपकी मदद करेगा थियोरी टू प्रैक्टिकल। भाई लोगों, आराम से चीज़ों को कवर करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, पूरा सिलेबस कवर करेंगे, सारी चीज़ें समझ में आएंगी, लॉजिक मिलेंगे, कॉन्सेप्ट मिलेंगे और लास्ट में अपने क्वेश्चंस भी रहेंगे, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं ना, ओके? तो नेक्स्ट टॉपिक जो है, टॉपिक है इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। टॉपिक का नाम लिख लीजिए, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या है भाई लोगों? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब आता है? जब वो अपने डेड स्टेट पर आ जाए, जब वो अपने डेड स्टेट पर आ जाए, ठीक है? जैसे कि मैं हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं कुछ हाथ हिला रहा हूँ, मैं कुछ बता रहा हूँ, आप हैं, आप सुन रहे हैं, है ना? तो हम लोग अभी लाइव स्टेट में हैं, हम लोग अभी जिंदा हैं, लाइव स्टेट में, ठीक है? अब अभी आत्मा बाहर निकल जाए, ख़त्म हो गए, धरती पर गिर गए, हम हिल ही नहीं रहे हैं, हमारे अंदर एनर्जी ही नहीं है, हमारे अंदर जान ही नहीं है, इसका मतलब क्या है कि मैं अब इक्विलिब्रियम में आ गया हूँ धरती के साथ। भाई जैसी धरती वैसा मैं, हम में कोई डिफरेंस बचा नहीं है, है ना? तो मैं अब उसके साथ इक्विलिब्रियम में आ गया हूँ। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? डेड स्टेट। इसका मतलब क्या होता है? डेड स्टेट मतलब कि अगर कोई भी सिस्टम अपनी एनर्जी अपने सराउंडिंग के साथ ऐसा इंटरेक्ट करे कि वो दोनों के दोनों सेम स्टेट में आ जाए, यानी सिस्टम और सराउंडिंग ये दोनों सेम स्टेट में आ जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिक मतलब उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम, ठीक है? थर्मोडायनेमिक नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है? तो जब हम लोग बात करते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की, तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी सिस्टम थर्मोडायनेमिकली कैसे इक्विलिब्रियम में आएगा? तो उसके लिए उसको चार इक्विलिब्रियम की कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। कितनी? चार। कौन कौन सी? लिखता हूँ और एक एक करके समझाऊंगा, आप लोग आराम से नोट कर लीजिएगा, ठीक है? तो पहला जो इसके लिए इक्विलिब्रियम है वो है थर्मल इक्विलिब्रियम। कौन सा है? थर्मल इक्विलिब्रियम को ईक्यू से लिख दे रहा हूँ,
तो पहला कौन सा है? थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। दूसरा कौन सा है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है भाई लोगों, तीसरा कौन सा है? केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। और चौथा कौन सा है? फेज, फेज, फेज का मतलब क्या है? फेज, फेज, सॉलिड लिक्विड गैस, पानी के तीन फेज। तो ये सारे के सारे इक्विलिब्रियम अगर सेटिस्फाई होते हैं तो एक सिस्टम थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। समझे? मतलब कि अगर इसमें से एक भी फेल होता है तो इट इज़ नॉट इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसमें से एक भी फेल होता है तो इट इज़ नॉट इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। मतलब अगर उसको थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होना है तो इट इज़ नेसेसरी दैट इट शुड बी थर्मली थर्मल, इट शुड फॉलो द कंडीशन ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड फेज इक्विलिब्रियम। ये चारों चीज़ें जब वो सेटिस्फाई कर देगा देन द सिस्टम इज सेट टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। भाई लोगों समझ में आया? दोस्तों समझ में आया? अब देख लेते हैं, एक एक को समझ लेते हैं। ज़्यादा मतलब इसमें कुछ ऐसा सच उतना क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता है, बस ये हम लोग को जानना ज़रूरी है और थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि कैसे सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है। देखो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि इसके आगे ही मैं लिख दे रहा हूँ, इतना ही लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो, नो हीट ट्रांसफर पोटेंशियल, नो हीट ट्रांसफर पोटेंशियल, नो हीट ट्रांसफर पोटेंशियल, दैट इज इक्वालिटी, दैट इज इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर, इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर, नो हीट ट्रांसफर पोटेंशियल, दैट इज इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर। यानी कि एक एग्जाम्पल ले लो कि एक आपके हाथ में बॉटल है, उस बॉटल में पानी है, उस पानी का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, और आपने उसको एक जहाँ पर भी रखा है वहाँ का भी टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। तो जब टेम्परेचर ग्रेडियंट नहीं होगा, यानी टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं होगा, तो हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा। समझे भैया? बाहर का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, बॉडी का टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस मान लो, तो बॉडी क्या करेगी? बाहर 10 डिग्री है, बाहर इधर 34 है, तो बॉडी अपना हीट छोड़ना शुरू करेगी, हमको ठंड लगनी शुरू होती है। ठंड क्यों लगती है? क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो हीट ट्रांसफ़र करने लग जाती है। किस डायरेक्शन में? कम टेम्परेचर की डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमेशा एक टेम्परेचर ट्रांसफ़र, हीट ट्रांसफ़र होने के लिए एक टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो अगर सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का टेम्परेचर सेम है तो क्या हीट ट्रांसफ़र होगा? नहीं होगा। क्या हीट ट्रांसफ़र होगा? नहीं होगा। और सिस्टम किस में आ जाता है? थर्मल इक्विलिब्रियम में। सिस्टम किस में आ जाता है? थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो पहली कंडीशन समझिए। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? मैकेनिकल से एक ही चीज़ समझ लो भैया, फोर्स। मैकेनिकल मतलब फोर्स, मैकेनिकल मतलब फोर्स। इसका मतलब क्या है? इक्वालिटी ऑफ फोर्सेस, इक्वालिटी ऑफ फोर्सेस। मतलब क्या है समझो? ये एक बॉडी है, इस बॉडी पर एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में एफ ए बी, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है से एफ बी ए। अगर ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं, अगर ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं तो बॉडी क्या है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। यानी सिस्टम पे जितने फोर्सेस लग रहे हैं अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में इक्वल हैं, या सारे के सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल कर रहे हैं, तो वो सिस्टम एक स्टेबल स्टेट में रहेगा। जैसे कि एक पेन, ये पेन है,
मैंने इसमें एक नीचे से इसको होल्ड कर दिया, अब इस पर इधर फोर्स जितना लग रहा है, इतना फोर्स इधर लग रहा है, इतना फोर्स ऊपर, उतना फोर्स नीचे, हर तरफ बैलेंस हो गया, पेन ऐसे ही है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने इस पर फोर्स हटाया, मैंने इस पर क्या करा, एक फोर्स या छोड़ो हटाया, क्यों, मैंने इधर से एक फोर्स लगाया तो ये इधर भागने लग गया, देखो यहाँ से धक्का दिया, देखो इधर जाने लग गया, इधर जाने लग गया। तो अगर मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ और ये इधर भाग रहा है, इसका मतलब ये फोर्स अभी इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्यों, क्योंकि ये भाग रहा है आगे, इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है। तो इक्वालिटी ऑफ फोर्सेस होना बहुत ज़रूरी है फॉर अ सिस्टम टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन। बात समझ में आती है, हाँ कि नहीं, ठीक है। तो इक्वालिटी ऑफ फोर्सेस होना चाहिए। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि केमिकल रिएक्शन पोटेंशियल, केमिकल रिएक्शन पोटेंशियल पोटेंशियल शुड बी एब्सेंट, केमिकल रिएक्शन पोटेंशियल नहीं होना चाहिए, केमिकल रिएक्शन पोटेंशियल शुड बी एब्सेंट। इसका मतलब क्या है कि जब कोई भी हम लोग सिस्टम को इक्विलिब्रियम में ले रहे हैं, मतलब मैंने एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स में मैंने कहा पानी है, ठीक है, एक आपने बॉटल लिया, बॉटल में पानी है, 30 डिग्री सेल्सियस पर है, बाहर का एटमोसफियर भी 30 डिग्री है, 30 डिग्री 30 डिग्री टेम्परेचर इक्विलिब्रियम है, ठीक है कि नहीं, हाँ कि नहीं, ठीक है। अब मैंने क्या करा कि आप भैया, मैं बड़ा खुश था कि भाई मैंने तो इक्विलिब्रियम बना दिया, टेम्परेचर इक्विलिब्रियम है, बहुत अच्छी बात है। अब आपने लगाया दिमाग, आप क्या करें, बाहर गए घूम घाम के और आए और बोले ये तो बहुत कूद रहा है, चलो सोडियम लेके आए और पानी में डाल दिए, सोडियम लेके आए और पानी में डाल दिए। अब जैसे ही सोडियम आपने पानी में डाला और वो भैया रिएक्ट करना शुरू करा और उसने एनर्जी लिबरेट करनी शुरू करी, अंदर बन गया टेम्परेचर उसका बढ़ के 40 100 70 80 90 चलता चला गया, और बाहर का टेम्परेचर अभी भी 30 है, बाहर का टेम्परेचर अभी भी 30 है, अंदर का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो वो केमिकल रिएक्शन पॉसिबल, मतलब पोटेंशियल नहीं होना चाहिए, यानी केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो इट इज़ अ केस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, इसका मतलब क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और चौथा केस है फेज इक्विलिब्रियम। फेज इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि फेज चेंज नहीं होना चाहिए, फेज चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे पानी है ना, पानी तो पानी क्या है, 0 से 100, 100 से 100, 100 से जितना जाओ, 150, 200, 500, 1000, ठीक है। तो 0 से 100 क्या है, उसका स्पेसिफिक हीट दिए तो उससे क्या हुआ, उसका टेम्परेचर राइज हुआ। पर जब वो 100 से 100 गया, इसका मतलब क्या हुआ, 100 डिग्री लिक्विड से 100 डिग्री वेपर बना, उसने फेस चेंज करा। तो सिस्टम जो है वो फेस में भी, मतलब उसका फेस जो है, उसका मास ऑफ फेस जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मास ऑफ ईच फेस, मैं लिख रहा हूँ, मास ऑफ ईच फेस should be constant with respect to time, mass of each phase should be constant with respect to time। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो जिस फेज में है वो उसी फेज में रहे, या जो फेज में जितना मास है वो उतना ही रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। मतलब कि अगर कहीं पे आपने मिक्स करा है आइस वाटर, तो आइस का जितना मास है वो आइस ही रहे, वाटर का जितना मास है वो वाटर ही रहे, ऐसा नहीं है कि आइस वाटर बन जाए, वाटर आइस बन जाए। तो फेस इक्विलिब्रियम होना चाहिए, समझे। तो क्या होता है कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए कि इट इज़ अ नेसेसरी कंडीशन कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में भी रहे, वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में भी रहे, वो केमिकल इक्विलिब्रियम में भी रहे, एज वेल एज इट शुड बी इन फेस इक्विलिब्रियम। अगर ये चारों कंडीशन उसने सेटिस्फाई कर दी तो वो मर गया, मतलब वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ गया, मतलब वो डेड स्टेट पे, मतलब कि वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ गया। भाई लोगों इतना नोट कर लो, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में इतना ही जानना है, क्वेश्चन का चांस कम है, कम क्या है, ना के ही बराबर है, बस समझना है कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है,
तो ये बस चार पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट कर लो ताकि आपको समझ में आ जाए। अच्छा ये देख लेना, इधर इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर ये इसके साथ है ना ऊपर वाली लाइन में, ये एक है। ओके बाकी ये नीचे में है, इनको आप लोग नोट कर लीजिए, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल, केमिकल फेज, फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके माय डियर, अब हम लोग देखेंगे प्रोसेस। कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रोसेस, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस, स्टेट, पाथ, साइकिल, कल पढ़ा था ना। तो अब हम लोग थोड़ा सा प्रोसेस को भी बाइफर्केट करते हैं, प्रोसेस में भी कुछ एक दो तीन प्रोसेस होते हैं, वो सब समझ लेते हैं, क्या प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है, क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। ये बेसिक चल रहा है, बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल ही बताया था थर्मोडायनेमिक्स बेसिक सब्जेक्ट है, एक बार ये सब्जेक्ट सेट हो गया तो आगे मज़ा ही मज़ा है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। हैं प्रोसेस, टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रोसेस। प्रोसेस तो कल हम लोगों ने देख ही लिया था भाई, अगर अभी बता देता हूँ एक बार फिर से देखो, पी वी, पी से वी तक ये क्या है प्रोसेस ए, यहाँ से यहाँ तक है, ए यहाँ से यहाँ तक घूम के है प्रोसेस बी, ए यहाँ से यहाँ तक घूम के है प्रोसेस सी, एंड सो ऑन। ये सब अलग अलग प्रोसेसेस हैं जो आप फॉलो करो, ये पाथ प्रोसेस, मतलब यहाँ से स्टेट ए से स्टेट बी तक आए एक किसी भी एक प्रोसेस से, बी से सी तक प्रोसेस, सी से मतलब ये ए पी से, ये ए से मतलब ये सी पाथ फॉलो करा वो भी एक प्रोसेस। तो ये सारे प्रोसेसेस हैं, ठीक है, इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें अभी पढ़नी है प्रोसेस के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली अब मैं प्रोसेस को क्लासीफाई करता हूँ, प्रोसेस को क्लासीफाई करता हूँ, पहला क्वासी स्टैटिक एंड नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ठीक है। पहले जो प्रोसेस को डिफाइन करा गया है वो दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करा है, एक है क्वासी स्टैटिक और दूसरा है नॉन क्वासी स्टैटिक। सर खतरनाक शब्द है, अभी देखेंगे समझेंगे। दूसरा है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, ठीक है। तो यही इसको ही ये समझना है, प्रोसेस को बेसिकली दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करा है, एक होता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, एक होता है नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, एक है रिवर्सिबल और एक है इरिवर्सिबल, ठीक है। क्वासी स्टैटिक हम लोग समझ लेते हैं क्या है, तो क्वासी स्टैटिक क्या है कि पीवी प्लॉट से समझेंगे, वो जो डायग्राम बनाया था उसको फिर से बना देता हूँ। ये आपका क्या है स्टॉपर, ये क्या है पिस्टन, ये सिलेंडर है इसमें भर दिए हैं गैस, इसके ऊपर एक वेट रख दिए हैं mg, वेट क्या इसको मैं बोलता हूँ, मान लो कि इसके ऊपर मैंने रख दिया है शुगर, चीनी, सबसे आसान एग्जांपल समझो, शुगर चीनी रख दिया है मैंने इसके ऊपर, क्या रख दिया है शुगर, ठीक है, 5 किलो रख दिया, मान लो कितना रख दिया 5 किलो चीनी रख दिया, ठीक है। अब देखो 5 किलो चीनी यहाँ रखा हुआ है, अच्छा एक चीज़ और देख लो कि यहाँ पर लग रहा है आपको प्रेशर, प्रेशर इस पे पी है तो यहाँ पे फोर्स लगेगा पी इंटू ए, लगेगा कि नहीं, हाँ कि नहीं, ठीक है ओके। तो भैया शुगर, शुगर 5 किलो रखा हुआ है, अब क्या हुआ कि वो चीनी जो है वो नीचे को धक्का दे रहा है और नीचे से जो गैस है वो एक प्रेशर फोर्स ऊपर की तरफ को लगा रही है। अब मैंने ये अचानक से चीनी की बोरी हटाई, चीनी की बोरी हटाई, ये इनिशियली किसी स्टेट ए पर था, ठीक है, कुछ प्रेशर था, कुछ वॉल्यूम वी1 था। अब क्या हुआ, मैंने चीनी की बोरी हटाई और वो पिस्टन अचानक से ऊपर की तरफ को भागा और वो किसी स्टेट पे पहुंच गया बी पर, किसी स्टेट पर पहुंच गया बी पर, ठीक है। अब जब जैसे हमने इसको हटाया तो ये अचानक से इतना तेज़ी से ऊपर बढ़ा, तो क्या हम कह सकते हैं कि कुछ हीट ट्रांसफ़र हुआ होगा, कुछ लॉसेस हुए होंगे, कुछ वर्क लॉसेस, कुछ हीट लॉसेस, ये सब तो हुए ही होंगे ना। तो इतना तेज़ी से ये प्रोसेस हुआ कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुंच गया, ओके,
अब क्वासिस्टैटिक यहाँ कहाँ आया, क्वासिस्टैटिक क्या करा हमने, अब हमने समझा कि ये जो चीनी की बोरी है इसको ऐसे ही रखा और अब मैंने क्या करा, चीनी का एक एक दाना निकालना शुरू करा। क्या करा, चीनी का एक एक दाना, एक चीनी का दाना निकाला बाहर रखा, दूसरा चीनी का दाना निकाला बाहर रखा, तीसरा चीनी का दाना निकाला बाहर रखा। तो क्या आपको लग रहा है कि कुछ इफेक्ट उस पर पड़ रहा होगा, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ इफेक्ट पड़ रहा होगा? पहले तो हटाए तो अचानक से पिस्टन ऊपर भाग गया, अब अगर मैं उस पर से एक चीनी का दाना हटा दूं तो क्या कुछ इफेक्ट आएगा? लगेगा नहीं कि आएगा, पर एक्चुअली आया है। जब हम लोग माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं ना, माइक्रोस्कोपिक स्टडी मतलब अभी देख लेंगे, वो भी देख लेंगे मैक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक, तो जब लोग माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं ना तो उसमें क्या होता है कि देखेंगे कि बहुत माइन्यूट डिफरेंस आया है, पर डिफरेंस आया है। इसका मतलब क्या है कि इसका जो पी वी बनेगा वो बनेगा, ये पाथ यही फॉलो करेगा, बट इतना धीरे, पॉइंट ए से पॉइंट ए वन गया, फिर ए वन से दूसरा हटाया तो ए टू गया, फिर ए थ्री गया, फिर ए फोर गया, एंड सो ऑन, ऐसे जाते जाते ठीक है, बिल्कुल धीरे 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 धीरे, और ये पॉइंट ए से घूम करके और पॉइंट बी तक पहुँचेगा, पॉइंट ए से घूम करके पॉइंट बी तक पहुँचेगा। ओके, अच्छा एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, क्या कि अगर मैं उस चीनी के दाने को वापस रख दूँ, एक दाना हटाया एक इफेक्ट देखा, जैसे मैं उसको वापस रखूँगा तो वो वापस अपने स्टेट पर चला जाएगा, वापस जैसे पुराना था वैसा ही बन जाएगा। तो ऐसा प्रोसेस जो होता है वो होता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, मतलब इतना धीरे हो रहा है कि हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं अपनी आँखों से, पर वहाँ पर प्रोसेस एक्चुअली हो रहा है, वहाँ पर प्रोसेस एक्चुअली हो रहा है। ठीक है भाई लोगों, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता है, एक वर्क डन का फॉर्मूला होता है, बहुत सुंदर फॉर्मूला है, लिख दे रहा हूँ, इसको नोट कर लो, कि जो वर्क डन होता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में उसको हम लोग देते हैं इंटीग्रेशन पी डी वी, किससे देते हैं इंटीग्रेशन पी डी वी, मतलब पी डी वी। बाद में हम इनको और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे कि ये वर्क डन का फॉर्मूला और कैसे यूज़ होता है, कैसे न्यूमेरिकल में यूज़ होता है, बट ये वर्क डन का फॉर्मूला इसलिए मैंने लिखवा दिया क्योंकि क्वेश्चन में कई बार पूछ लेता है कि इंटीग्रेशन पी डी वी वर्क किसके लिए है, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल, ऐसे ऑप्शंस दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि क्वासी स्टैटिक के लिए जो वर्क डन होता है वो होता है इंटीग्रेशन पी डी वी, इंटीग्रेशन पी डी वी। ठीक है भाई लोगों, ओके आगे बढ़े। तो वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डी वी। क्वासी स्टैटिक का मतलब समझे, तो क्वासी स्टैटिक का मतलब होता है, क्वासी मतलब ऑलमोस्ट, स्टैटिक मतलब एट रेस्ट, तो क्वासी स्टैटिक का मतलब ऑलमोस्ट एट रेस्ट, यानी हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं कि प्रोसेस हो रहा है, बट वो एक्चुअली में प्रोसेस हो रहा है, वो इतना स्लो प्रोसेस है। ठीक है, दूसरा क्या है, क्योंकि वो अपने स्टेट पर वापस भी चला जा रहा है, इसका मतलब वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। इसका मतलब क्या है, वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, मैं कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगा, उन पॉइंट्स पे ही पूरा का पूरा गेम चलेगा, बाकी के तो कॉन्सेप्ट समझने का था कि क्वासी स्टैटिक है क्या। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, तो इसको ऐसे लिख लेना ना, क्वासी मतलब ऑलमोस्ट और स्टैटिक मतलब एट रेस्ट। ठीक है, तो इसको कंबाइन करके हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज एन इनफाइनाइटली, इनफाइनाइटली, इसको फिर से लिख दे रहा हूँ, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज एन इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज एन इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज एन इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस का मतलब ये है कि ये इतना स्लो है कि उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच जाने में
इनफाइनाइट स्टेप्स लगेंगे, कितने इनफाइनाइट स्टेप्स, इनफाइनाइट मतलब अनकाउंटेबल स्टेप्स लगेंगे, वो इतना स्लो प्रोसेस है, ठीक है। तो वो प्रोसेस होता है आपका क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, वो प्रोसेस क्या होता है अपना क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ठीक है भाई लोगों, ओके। तो वो इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस होता है, ओके। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखवाऊंगा, अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं लिखवा दूंगा, पर उससे पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में जब हम पी वी प्लॉट करते हैं, क्या प्लॉट करते हैं, पी वी प्लॉट करते हैं, तो हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक दिखा रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट ए से बी तक दिखा रहे हैं बाय अ कंटिन्यूस लाइन, एक कंटिन्यूस लाइन से दिखा रहे हैं, क्यों, क्योंकि अज्यूम करा जाता है कि ये इतना स्लो प्रोसेस है कि वो रिवर्सिबल कंडीशन को फॉलो कर रहा है, यानी कि क्या है, प्रोसेस इज रिवर्सिबल, प्रोसेस इज रिवर्सिबल, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल भी अभी देख लेते हैं, ठीक है। रिवर्सिबल अभी यहीं बता देता हूँ, चलो रिवर्सिबल का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा प्रोसेस जो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आया बाई अ पाथ, बाई अ पाथ, और वो उसी पाथ पर वापस गया पॉइंट बी से पॉइंट ए पर। अब देखो ए से बी पर आने का एक तरीका है ये, और मैं कह रहा हूँ कि वो बी से, अब मैं मैंने कहा कि बी से ए पर उसी पाथ पर वापस जाए। आप कहते हैं कि सर बी से ए तो ये ऐसे भी वापस जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता है, पर यहाँ पर एक चीज़ आ जाती है, वो है हम लोगों ने अभी देखा था कि जो पी पर जो पी वी प्लॉट है वो वर्क डन शो करता है, तो ए से बी में ये वर्क आएगा, और जब बी से ए जाएंगे इस पाथ से तो ये एक एक्स्ट्रा वर्क आ जाएगा, तो भैया कुछ अलग इफेक्ट तो आ गया ना, यानी कुछ एनर्जी का इफेक्ट या वर्क का इफेक्ट आ गया ना, तो वो प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, यानी ये एक साइकिल जो बन गया वो एक इरिवर्सिबल बन गया, वो क्या बन गया, इरिवर्सिबल। पर अगर ये इसी पाथ से वापस चला गया, ठीक है, मतलब मैंने कहा कि वो ए से बी पर आया और वो बी से ए पर ही वापस चला गया, सेम पाथ फॉलो करा, मतलब कैसे समझना, कैसे, एक पानी का बॉटल है, ठीक है, पानी का बॉटल छोड़ो, एक पिस्टन है, उस पिस्टन के अंदर कुछ प्रेशर है, कुछ टेम्परेचर है, गैस है, आपने उसमें एनर्जी उसके अंदर ऑलरेडी बन रही है, वो उसने धक्का दिया पिस्टन को ऊपर, सिरिंज होता है ना, इंजेक्शन वाला सिरिंज है ना, उसने ऊपर की तरफ को धक्का दिया पिस्टन, ऐसे ही समझो कि जो इंजेक्शन वाला सिरिंज होता है, सिरिंज जो होता है जो हम लोग इंजेक्शन लगवाते हैं, तो वो सिरिंज है, वो आपका पिस्टन, ठीक है। तो उसने क्या करा, पिस्टन को धक्का दिया, पिस्टन ऊपर आया 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 आया, उसने कुछ एनर्जी ली तभी वो ऊपर आया, ठीक है, उसने कुछ एनर्जी ली और कभी वो ऊपर आया। अब उतनी ही एनर्जी उस पिस्टन के पास है या कहीं से भी उसको मिली, क्या हुआ, उसने वही एनर्जी एग्जैक्टली वापस दी, एग्जैक्टली जो एग्जैक्टली एनर्जी उसने ली थी वही एग्जैक्टली उसने वापस दी, और वो अपने ओरिजिनल स्टेट पर आ गया, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गया और वो वापस पॉइंट बी से पॉइंट ए पर आ गया, तो वो प्रोसेस होता है रिवर्सिबल। वो क्या होता है, रिवर्सिबल, पाथ चेंज नहीं हुआ, पाथ चेंज नहीं हुआ, इफेक्ट ऑफ हीट, इफेक्ट ऑफ वर्क सब खत्म, तो वो प्रोसेस होता है रिवर्सिबल। पर क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, नहीं, नो, आंसर इज नो, रिवर्सिबल प्रोसेस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, वो सिर्फ थ्योरीज में पढ़ा जाता है। सर जब प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है तो थ्योरी में क्यों पढ़ते हैं, क्या फ़ायदा थ्योरी में पढ़ने का, ये क्वेश्चन हो सकता है, एक क्वेश्चन आ सकता है बच्चे के दिमाग में कि जब ये चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हैं तो हम क्यों ज़बरदस्ती अपना इसमें माथा ख़राब कर रहे हैं, क्यों हम इसमें लगे पड़े हैं, क्यों क्वेश्चन भी इसी पे पूछा जाता है, जब रेलवे का काम जो चल रहा है वो जब प्रैक्टिकल कंडीशंस में चल रहा है तो हमसे थ्योरी वाले क्वेश्चन क्यों पूछता है, जो चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है वो हम पढ़ ही क्यों रहे हैं। तो देखिए क्यों ऐसा होता है, क्यों, क्योंकि आप ये समझिए कि जब हम एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, व्हेन वी सिट इन एनी ऑफ द एग्जामिनेशन, से अभी हम आरआरबी के एग्ज़ाम में बैठते हैं या छोड़ो कोई और एग्ज़ाम ले लो, ठीक है, गेट का एग्ज़ाम है, गेट का एग्ज़ाम 100 नंबर का होता है, 100 नंबर का, तो जो रेफरेंस है वो क्या है, 100 नंबर, 100 नंबर में से 100 नंबर लाना वो हमारा टारगेट है, रेफरेंस क्या है, 100 मार्क्स, रेफरेंस इज़ 100 मार्क्स, ठीक है ना। तो ऐसे ही जब हम लोग कोई चीज़ प्रैक्टिकली डिज़ाइन करते हैं तो कोई एक रेफरेंस तो होना चाहिए ना कि हमें वहाँ तक पहुँचना है, वो हमारी लिमिट है भाई। अगर मैं कोई काम करने के लिए चल दिया और मैं काम करते जा रहा हूँ पर मुझे पता ही नहीं है कि मैं कंपेयर किससे करूँ कि मेरा काम सही हो रहा है या गलत हो रहा है,
तो वो एक रेफरेंस तो चाहिए ना। तो ये जो चीज़ें थ्योरेटिकल होती हैं वो रेफरेंस देती हैं, यानी वो मैक्सिमम लिमिट सेट करती हैं कि आप यहीं तक जा सकते हैं, इसके आगे नहीं जा सकते। क्योंकि लॉज कॉन्सेप्ट जो बनते हैं वो ऐसे ही बने हैं कि ये मैक्सिमम लिमिट है, जिस दिन आपने वो लिमिट पार कर दी तो वो लॉ बदल जाएगा, कोई नया लॉ आ जाएगा, आपका लॉ बन जाएगा अगर आपने वो लिमिट पार कर दी। तो वो क्या है, मैक्सिमम लिमिट। एक रेफरेंस स्केल के लिए हमको थ्योरी जानना ज़रूरी है। इसलिए जो प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसका मतलब वो क्या है, वो मैक्सिमम एफिशिएंट लिमिट है, वो मैक्सिमम लिमिट है, उसके आगे हम नहीं जा सकते। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो इसी को हम लोग रिवर्सिबल बोलते हैं। बट प्रैक्टिकली जो चीज़ें रिवर्सिबल नहीं है वो सब इरिवर्सिबल है। यानी कि हर प्रैक्टिकल चीज़, कोई भी चीज़, पानी की टंकी, मोटर, पंप, दुनिया में कोई भी चीज़, वो सब इरिवर्सिबल है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ से हमेशा एनर्जी लॉस होगा, किसी भी चीज़ से एनर्जी लॉस होगा। अब वो जो मैंने पिछला एग्जांपल बताया था कि वो पिस्टन ऊपर गया, फिर उसको एनर्जी कहीं से मिली और वो पिस्टन नीचे आया, कहीं से एनर्जी का मतलब ये नहीं है कि मैं बाहर से उस पिस्टन को धक्का दिया और उतनी एनर्जी से उसे वापस ले आया तो वो रिवर्सिबल हो गया। नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि जब वो पिस्टन ऊपर गया तो उसने या तो वो एनर्जी अपने अंदर स्टोर करी, या तो वो एनर्जी उसने अपने अंदर स्टोर करी, और या तो जितना एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और वर्क बाहर गया है, उतना एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और वर्क उसको कहीं, वो कहीं से लाए, कहाँ से लाए उसको नहीं पता, बट उसको कहीं से लाना है और उस पोजिशन पर वापस आना है। बाहर से एक्स्ट्रा कोई एनर्जी नहीं दी जाएगी, बाहर से कोई वर्क नहीं दिया जाएगा। अगर आपने दे दिया तो वो प्रोसेस रिवर्सिबल बचा ही नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी वर्क एक्स्ट्रा दे दिया ना, ये पोर्शन तो आपने खुद ही दे दिया। बात समझते हो? बात समझ में आती है भाई लोगों? तो ये है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सिबिलिटी और इरिवर्सिबिलिटी। सिर्फ कॉन्सेप्ट है, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, बस समझना है कि अच्छा ये रिवर्सिबल होता है, ये इरिवर्सिबल होता है, ये क्वासी स्टैटिक होता है, ये नॉन क्वासी स्टैटिक होता है। बस एक चीज़ जो मैं बता रहा हूँ वो समझना है, क्या, कि जो प्रोसेस रिवर्सिबल है या जो प्रोसेस क्वासी स्टैटिक है उसको हम लोग किससे शो करते हैं, कंटिन्यूस लाइन से। किससे शो करते हैं, कंटिन्यूस लाइन से। लेकिन अगर यहीं पर वो प्रोसेस नॉन क्वासी स्टैटिक है, अगर यहीं पर वो प्रोसेस क्या है, नॉन क्वासी स्टैटिक है, मैं अभी बना के दिखाता हूँ। अगर यहीं पर ये प्रोसेस नॉन क्वासी स्टैटिक है, जैसे कि पहला केस, जब हम लोगों ने चीनी हटाया, जब हम लोगों ने चीनी 5 किलो का बोरी हटाया तो अचानक से पिस्टन ऊपर बढ़ा, तो वो नॉन क्वासी स्टैटिक है ना प्रोसेस, वो धीरे थोड़ी हुआ, वो तो बहुत तेज़ी से हुआ, तो वो नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है। तो उस केस में हम लोग हमेशा पॉइंट वन से, पॉइंट ए से पॉइंट बी आएंगे विथ अ डॉटेड लाइन। यानी जब भी कोई इरिवर्सिबल प्रोसेस हम लोग प्लॉट करते हैं तो दैट इज़ ऑलवेज प्लॉटेड विथ अ डॉटेड लाइन। क्यों डॉटेड लाइन से हम लोग प्लॉट करते हैं, क्योंकि हमको भी एक्चुअली पता नहीं है। देखो, समझो, हमने अभी बोला कि वर्क इज अ पाथ फंक्शन, वर्क इज अ पाथ फंक्शन। अब मैं ए से बी एक डॉटेड लाइन से जोड़ दिया, इसका मतलब ये है कि मुझे पता नहीं है कि वो ए से बी इसी पाथ से आ रहा है, हो सकता है वो ऐसे भी आ रहा होगा, हो सकता है वो ऐसे भी आ रहा होगा, मुझे पता नहीं है। मैंने एक रफली जोड़ दिया कि हम ए से बी किसी एक पाथ से आ रहे हैं और उसको डॉटेड लाइन से। पर अगर मैंने इसको एक कंटिन्यूस लाइन से जोड़ा है, इसका मतलब मैं श्योर हूँ कि वो ए से बी इस एक्स पाथ से आ रहा है। यहाँ पे ये एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है और जी भी हो सकता है। ठीक है, बात समझे भाई लोगों? इज इट क्लियर? तो इसलिए हम लोग ये जो नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेसेस होती हैं, यानी जो प्रैक्टिकल प्रोसेसेस होती हैं, उनको हम लोग डॉटेड लाइन से जोड़ते हैं। बट जनरली जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हर चीज़ आप डॉटेड लाइन तो बनाएंगे नहीं, ठीक है। बट आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जितनी इरिवर्सिबल या जितनी नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेसेस होती हैं उसमें हम लोग हमेशा डॉटेड लाइन यूज़ करते हैं। वेयर एज व्हेन यू आर श्योर कि हम इस जगह से इस जगह तक इसी पाथ से जा रहे हैं, तो हम लोग श्योर कब होंगे, जब प्रोसेस रिवर्सिबल है या क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, तभी हम लोग श्योर होंगे। होंगे कि नहीं? तो तभी जब हम लोग श्योर होंगे तो हम लोग एक कंटिन्यूस लाइन से ज्वाइन करते हैं। तो व्हेन द प्रोसेस इज क्वासी स्टैटिक और रिवर्सिबल तो हम लोग डॉटेड कंटिन्यूस लाइन यूज करेंगे, अदरवाइज डॉटेड लाइन यूज करेंगे। इसको मैं लिखवा देता हूँ, नोट कर लो, नोट बना के लिख लो, क्वासी स्टैटिक, क्वासी स्टैटिक
process is quasi-static process is marked by continuous line. Quasi-static process is marked by continuous line. एक डायग्राम भी साथ में बना लेना, छोटा था, पी वी ए से पी तक, ठीक है भाई लोगों। और दूसरा, नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज मार्क्ड बाय डॉटेड लाइन। इसका भी एक प्लॉट कर लो यहाँ पर, पी वी, पॉइंट ए पॉइंट बी। बात समझ में आई हमने क्यों करा डॉटेड लाइन से? क्योंकि एक्चुअली हमको भी नहीं पता है कि ए से बी आने में, भैया जब ये इतना तेज प्रोसेस हुआ तो हमको समझा ही नहीं कि अब वो क्या कैसे ए से बी तक पहुंचा, उसने कितना हीट ट्रांसफ़र करा, कितना वर्क ट्रांसफ़र हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो हमको एक्चुअली पाथ नहीं पता है ए से बी हम किस पाथ से पहुँचे हैं, तो इसलिए उसको हम लोग डॉटेड लाइन से शो करते हैं। ओके, ठीक है भाई, कोई डाउट है तो बोलो। अब मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, नेक्स्ट पे लिखता हूँ, चलो स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, इसको आप नोट बना के लिखना, ठीक है ना। एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, इसको आप लोग नोट बना के लिखना, स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, इसको नोट बना के लिखना, नोट बना लेना और नोट पे स्टार लगा लेना, लिखना। देखो मैं लिख रहा हूँ, A quasi static process is reversible. ये स्टेटमेंट है। अब इसके बारे में सोचो और बताओ कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत। सोचो इसके बारे में थोड़ा सा, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे मिल जाएगा। सोचो सोचो, अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज रिवर्सिबल। अभी हम लोग पढ़ रहे थे सब चीज, जस्ट दो मिनट पहले सब पढ़े, क्या मिला, हाँ कि नहीं? अपने आंसर अपने मन में सोच लीजिए, अपने पास लिख लीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं क्या क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज रिवर्सिबल। ये बात सही है गलत है? कुछ लोग को सही लग रही होगी, कुछ लोग को गलत लग रही होगी। इसका आंसर है कि ये बात गलत है, चीर दो, गलत है। अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज रिवर्सिबल, दिस इज एन इनकम्प्लीट स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट लिखना और इसको काट देना बड़ा सा, ताकि आपके ध्यान में रहे, ठीक है। दिस इज एन इनकम्प्लीट स्टेटमेंट That a quasi-static process is reversible. अब मैं दूसरा स्टेटमेंट लिखता हूँ जो कंप्लीट स्टेटमेंट है, फ्रिक्शन लिखो, लेस लिखो, नीचे एरो वो बनाओ, लाइन बनाओ या उसको बोल्ड करो, अ फ्रिक्शन लेस quasi-static process is रिवर्सिबल। अ फ्रिक्शनलेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज रिवर्सिबल। अ फ्रिक्शनलेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज रिवर्सिबल। फ्रिक्शनलेस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो मैंने बताया था ना, क्वेश्चन में मास्टर घुमा देगा, चार पॉइंट दे देगा, अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज रिवर्सिबल, अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, अ फ्रिक्शनलेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज रिवर्सिबल, अ फ्रिक्शनलेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, क्या होगा? जल्दी जल्दी में हम लोग मार्क कर देंगे और जहां मिलना था 1 वहां मिल जाएगा -1.25, -1 पोटेंशियल लॉस
और 0.25 तो गिफ्ट में मिलेगा ही नेगेटिव मार्क। तो अ फ्रिक्शनलेस कॉसी स्टैटिक प्रोसेस इज रिवर्सिबल, इसका मतलब क्या है कि कॉसी स्टैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल है लेकिन वो फ्रिक्शनलेस होना चाहिए, यानी उसमें फ्रिक्शन नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर फ्रिक्शन आएगा तो कुछ हीट लॉसेस होंगी और सिस्टम से जब हीट लॉस हो जाएगा तो इसका मतलब वो प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल है। इसका मतलब वो प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल है। ठीक है भाई लोगों, जब हम लोग एंट्रोपी टेम्परेचर वाला उधर पढ़ेंगे ना, एंट्रोपी वाला कॉन्सेप्ट, तब समझ में आएगा कि एक्चुअली कैसे हीट लॉस हो रहा है, ये क्या है। अभी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा, कि अभी अभी थोड़ा सा धुंधला होगा बट उस समय बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो फ्रिक्शन लेस कॉसी स्टैटिक प्रोसेस इज रिवर्सिबल, ठीक है, ओके। और कुछ स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ, ये इसको इनको सबको नोट लिखना, ठीक है, ऊपर वाले को काट देना, दूसरे वाले को टिक कर देना, ठीक है, और फ्रिक्शन लेस को डब्बा बना लेना, बोल्ड कर लेना, जैसे भी करना है कर लेना, पर ये चीज़ को आप लोग नोट कर लेना, राइट, ओके, हाँ कि नहीं। और एक दो स्टेटमेंट मैं लिखवा देता हूँ, उनको भी आप नोट कर लीजिए। आ फ्रिक्शन लेस कॉसी स्टैटिक प्रोसेस इज रिवर्सिबल, हाउ एवर इट्स वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। इसका मतलब क्या है कि एक फ्रिक्शनलेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल है, हाउएवर इट्स वाइसे वर्सा इज नॉट ट्रू। ये वाइसे वर्सा क्या है, वाइसे वर्सा का मतलब है कि कोई अब ये कह रहा है कि एक फ्रिक्शनलेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस तो रिवर्सिबल है, पर क्या अगर कोई प्रोसेस रिवर्सिबल है तो वो ज़रूरी है कि वो फ्रिक्शनलेस क्वासी स्टैटिक भी होगा? नहीं, ज़रूरी नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसको मैं सिंपल फॉर्म में लिख देता हूँ, सिंपल फॉर्म में इसको लिख लो, इसमें मींस अ रिवर्सिबल प्रोसेस विल बी क्वासी स्टैटिक, अ रिवर्सिबल प्रोसेस विल बी क्वासी स्टैटिक इज Not always true, कि एक reversible process quasi static होगा ये हमेशा सत्य नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मतलब reversible process quasi static की condition को follow करेगा ये ज़रूरी नहीं है, पर quasi static reversible की condition को follow करेगा, वो उसकी condition को follow करेगा, okay भाई लोगों, my dear इतना note कर लीजिए, और कुछ ना समझ में आए तो प्लीज़ ज़रूर बताइए हम लोग को, ताकि हम हर संभव मदद कर पाएँ। थ्योरी टू प्रैक्टिकल इसीलिए है, आपकी परेशानियों को सॉल्व करने का काम हमारा है, अपनी परेशानियां हम पे दे दीजिए और आप अपने एग्ज़ाम पर फोकस करिए, परेशानियों से मतलब पर्सनल नहीं, ये पढ़ाई वाली। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी थ्योरी टू प्रैक्टिकल के सारे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, सब्जेक्ट वाइज है, तो आपके दोस्त मित्र जो दूसरे सब्जेक्ट के हैं, दूसरे ब्रांचेस के हैं, उनको भी रेफ़र करिए कि थ्योरी टू प्रैक्टिकल यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, पेन ड्राइव कोर्सेज भी हैं वहाँ से भी ले लें। मेन चीज़ है एग्ज़ाम निकालना भैया, देखो एग्ज़ाम निकालने के लिए कुछ भी करना पड़ता है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत लोगों की बहुत बहुत सारी महत्वाकांक्षाएँ हैं, आदमी की ज़िंदगी में ज़रूरतें हैं, तो ज़रूरी है एग्ज़ाम निकालना, ताकि थोड़ा घर वालों का भी सर फक्र से ऊँचा हो जाए कि हाँ भाई हमारा बेटा अच्छी जगह पर पहुंच गया, हमारी बच्ची अच्छी जगह पर पहुंच गई, है ना। तो वो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत हम लोग करेंगे, बोलो हाँ हाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे, आए किस लिए, मेहनत करने के लिए तो आए हैं, हिंदुस्तान में जन्म लिए हैं तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उतने पॉपुलेशन में अगर सर्वाइव करना है तो डार्विन साहब ने पढ़ाया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जनरल साइंस का टॉपिक डार्विन साहब ने, बायोलॉजी में पढ़ोगे, डार्विन साहब ने पढ़ाया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, थ्योरी दी थी कक्षा 9 में बायोलॉजी में पढ़ा जाता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब क्या है कि यू शुड बी फिट
टू सर्वाइव, और उसके लिए लड़ना पड़ेगा और जीतना पड़ेगा, तो लड़ाई तो करनी पड़ेगी, हारो मत, थको मत, बढ़ते जाओ आगे जब तक मंजिल मिल ना जाए। नोट कर लिया इतना? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको सबको नोट बना करके नोट करिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं।